नालायक है, इससे कुछ हो भी पाएगा या नहीं?
तो हेडफोन लगा लिया तो फिर गाना बंद कर देते। कैसी है जिंदगी? आप कौन? सोचो मैं आपका दोस्त हूँ। दोस्त? वो कैसे? भला सोचने वाला दोस्त बन सकता है? प्लीज मैन लीव मी, पहले बहुत परेशान हूँ। इसी रीजन से ले तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नहीं भाई, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। कूल डाउन मैन, तू पहले से बहुत परेशान है ना? पेन, मिजरी, सैडनेस, क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे बता तू। सब गलत चल रहा है, यहाँ तक कि मैं अभी भी अपनी कहानी एक अनजान आदमी को सुना रहा हूँ। क्या कहानी है बता। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है मेरी जिंदगी में। मुझे 6 साल लगे इंजीनियरिंग करने में, मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते, पागल है वो। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, कोई मेरा सहारा नहीं। यहाँ तक कि मुझे इतनी मेहनत करने के बाद ये सड़ी सी जॉब मिली है, इसमें भी इतने पैसे नहीं मिल पाते कि मैं ज़िंदगी अच्छे से चला पाऊँ। अरे तुम्हें नहीं मालूम कि कितना दुख है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, सही से जवाब देना। भाई देख, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, थोड़ी देर के लिए। ओके पूछो। तुम्हारे पापा तुमसे बात क्यों नहीं करते? मुझे इंजीनियरिंग करने में 2 साल ज़्यादा लगे, पापा ने बहुत डांटा, मैंने घर छोड़ दिया। और तेरी गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ के चली गई? वही सेम रीज़न। और तू अपने एक्सपेंडिचर्स को क्यों नहीं मैनेज कर पाता? मेरी हालत देखो, कम बुलाने के लिए मुझे सिगरेट शराब खरीदनी पड़ती है, मेरा पैसा जो थोड़ा बहुत कमाता हूँ उसी में चला जाता है। इन सब में तूने एक कॉमन थिंग ऑब्जर्व किया है? क्या? इन सारे प्रॉब्लम्स की जड़ तू है। तूने अपने एकेडमिक्स को सही से नहीं किया, तू 6 साल लगा अपने इंजीनियरिंग के लिए, और इसी वजह से तुम्हारे पापा तुमसे बात नहीं करते, इसी वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली गई। तू अपने सारे पैसे पानी की तरह सिगरेट, दारू, इन सब पे खर्च करता है, इसके लिए तो उसको सेव नहीं कर पाता है। हर एक प्रॉब्लम में तू खुद उसके जड़ पे। अरे जाओ यहाँ से, एक पेनी दे दे उसे। वो अपनी जिंदगी से कितना खुश है, हर एक पल, ना खाना, ना घर, ना पैसा, कुछ नहीं है उसके पास, फिर भी वो हर एक पल खुशी खुशी जीता है। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, मैं पहले ही सब खो चुका, अब मेरी जिंदगी का कोई और मतलब भी नहीं, बस अब और नहीं। तो ऐसा क्यों सोच रहा है? और एक बार सोच, तेरी बहुत लंबी जिंदगी बाकी है और तू अपने हिसाब से ही उसे बदल सकता है। नहीं, मैंने अब सोच लिया है मुझे क्या करना, अब मेरे अंदर और ताकत नहीं कि मैं ये सब बदल सकूं। हाँ, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में हुआ, मैं ही उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, कोई और नहीं। चाहे वो दुख हो या खुशी, सब मेरी ही चॉइस थी, पर मैंने दुख को चुन लिया। अब नहीं, मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेट और कॉन्शियस रहूँगा। ये चेंज मेरे ही अंदर हुआ है, चाहे वो ड्रीम से ही हुआ। प्रॉब्लम मेरे अंदर थी, सॉल्यूशन भी मुझी से आया। सही है, इस सभी का कारण मैं ही था।
आदमी कौन था और उसने मुझसे बात क्यों की?